हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे प्याज की बहुत ही अच्छी पकौड़ी। इसमें समोसे का भी टेस्ट मिलेगा। तो आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे पकौड़ी को बनाने के लिए मैं ये चार मीडियम साइज़ प्याज ले ली हूँ। इसके पीछे का ये हिस्सा निकाल देंगे और प्याज को बारीक काट लेंगे। तो फ्रेंड, पीछे का हिस्सा निकालने से हमारे प्याज जो हैं इनके लच्छे खुल जाते हैं अच्छे से। तो सारे प्याज को हम बारीक काट लिए हैं फ्रेंड, ये देखिए। अब हम इसे हाथों से इनके सारे लच्छे खोल देंगे प्याज के। तो सारे लच्छों को खोल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, प्याज के लच्छे खोल लिए हैं। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में ले लेंगे। अब यहाँ डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला। अगर चाट मसाला आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड, ये आधा चम्मच अजवाइन को क्रश करके डालें, इससे पाचन सही रहता है। और ये धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। और फ्रेंड, यहाँ पे अभी मैं नमक यूज नहीं कर रही हूँ। अब यहीं डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच चावल का आटा। तो प्याज के लच्छों को ड्राई रखना है, इसके लिए हम यहाँ पे चावल का आटा यूज कर रहे हैं। तो बस इन सबको अच्छे से मिला देंगे। अब यहीं जाएगा 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर से फ्रेंड तेल में हमारे पकौड़े खुलेंगे नहीं और इससे हमारे तेल ख़राब नहीं होते हैं। अब इन्हें भी मिला देंगे और नमक लास्ट में ऐड करेंगे। अब ये ले ली हूँ मैं 3 उबले हुए आलू। अब आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। मैं इसे ऐसे मैश कर ली हूँ। तो फ्रेंड, अब यहाँ पे हम आलू में डालेंगे, ये मैं ऑर्गेनो ऐड कर रही हूँ, चिल्ली फ्लेक्स और आधा चम्मच नमक, या नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब बस इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इनके गोल गोल लड्डू बना लेंगे। तो देखो फ्रेंड, ऐसे हम गोल गोल लड्डू बना लेंगे। तो सारे लड्डुओं को हम बना लिए हैं, ये देखिए। अब हम इसे साइड में रखेंगे। अभी प्याज के लच्छों को ले लेंगे और यहाँ पे हम नमक मिला लेंगे फ्रेंड। तो नमक को अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, ड्राई है हमारा प्याज का लच्छा जो है वो ड्राई है। अब हम एक एक आलू लेंगे और इसमें हम ऐसे कोट कर लेंगे। तो प्याज से हम अच्छे से कोट कर लेंगे इसे और हाथों में ऐसे मुट्ठी बांधते हुए इन्हें अच्छे से बना लेंगे। तो देखो फ्रेंड, ऐसे बना लेंगे। आप चाहें तो 2 चम्मच मैदा में थोड़ा सा पानी डालकर एक स्लरी रेडी कर लें और उसमें आलू को डिप करके फिर ऐसे कोट करें। अब इधर मैं रख दी हूँ तेल गर्म होने के लिए। अब एक एक करके हम अपने सारे पकौड़े इसमें डाल देंगे। फ्रेंड, ये पकौड़े बहुत टेस्टी बनते हैं। और आलू हमारा पहले से उबला हुआ है तो इसे हम फटाफट ये हो जाता है, तो मीडियम फ्लेम पे इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए, ये हमारे पकौड़े बनकर रेडी हैं। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं पकौड़े, इसमें चीज़ पनीर हर चीज़ का टेस्ट आता है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारे पकौड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड, ये अंदर से क्रिस्पी और बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो फ्रेंड, आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करें।
और फ्रेंड हमारी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और मेरे वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।